क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए अंतिम 11 में मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है और मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ टेस्ट मैचों में पारी की शुरुआत करेंगे। टीम इंडिया के 295वें टेस्ट खिलाड़ी बनने वाले मयंक को आखिर मौका कैसे मिला और क्या है मयंक अग्रवाल की खासियत, हम आपको बताते हैं, जिस पर आप भी कमेंट जरूर करें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए ओपनर पृथ्वी शॉ के चोटिल होने के बाद मयंक को भारत से बुलाया गया। मयंक पिछले 2 साल से हर फॉर्मेट में लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं। मयंक ने लिस्ट ए यानी कि 50 ओवर के 75 मैचों में 3,605 रन बनाए हैं। उनका औसत 48.71 का है और स्ट्राइक रेट 100 से भी ऊपर। वहीं अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 46 मैचों की 78 पारियों में 49.98 की औसत से 3,599 रन जुटाए हैं और 2017-18 के घरेलू सीजन में तो उन्होंने 2,141 रन बनाए थे। वो घरेलू सीजन के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में शामिल भी किया गया, लेकिन उन्हें वहां प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में उन्हें जगह नहीं दी गई। हालांकि मयंक अग्रवाल को लगातार नजरअंदाज भी किया गया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर 27 साल के इस खिलाड़ी की गलती क्या है, आखिर उन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर 2017-18 के घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भी वो चयनकर्ताओं को प्रभावित क्यों नहीं कर पाए। तो अब आखिरकार मयंक अग्रवाल को मौका मिल ही गया मुरली विजय और केएल राहुल की काहली के बाद। तो उम्मीद की जा रही है कि मयंक अग्रवाल घरेलू मैचों की तरह टेस्ट मैचों में भी वही जलवा दिखाएंगे। क्या मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ जैसा कमाल दिखा पाएंगे, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।